सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 कैलाश कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास मुस्लिम समाज को दिए जा रहे दफन भूमि की जगह को लेकर लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। जहां शिव मंदिर के पास के गांव, वहां के पुजारी, हिंदू समाज के लोग और कई हिंदू संगठनों की तरफ से एक विशाल मोर्चे का आयोजन कैलाश कॉलोनी चौक से उल्लासनगर महानगर पालिका तक आयोजन किया गया था, जहाँ इस मोर्चे में लाखों की संख्या में लोग दफन भूमि के लिए दी जा रही जगह के विरोध में सड़कों पर उतरे। उल्लासनगर शहर के रास्तों पर जय श्री राम, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के साथ भारत माता की जय के नारों से शहर गूंज उठा। हिंदू संगठनों की तरफ से कैलाश कॉलोनी से विशाल मोर्चा निकला और कैंप 5 गांधी रोड स्थित तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार को दफन भूमि की जगह का विरोध करते हुए उनको एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसके बाद इस विशाल मोर्चे में अयोध्या से आए हुए कुछ संतगण भी शामिल हुए और यह मोर्चा उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय तक पहुंचा और आयुक्त से मिला और संतगण की तरफ से मनपा आयुक्त से इस विषय पर चर्चा कर एक निवेदन दिया गया। आत्म धर्माचार्य, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मेरे पास लोगों ने सूचना दिया, मैं अयोध्या से चलते आया और वैसे भी देखिए नियम है कि आबादी में और धार्मिक स्थल से दूर होना चाहिए और जहाँ हमारा एक आस्था का केंद्र सदियों से रहा हो वहाँ किसी तरह की विवादित स्थिति पैदा हो ये हम नहीं चाहते। एक राम मंदिर के लिए हम लोगों ने 14 पीढ़ी से लड़ाई किया 500 वर्षों तक, अब कहीं भी इस तरह के हालात पैदा हम नहीं करना चाहते। तो यहाँ अगर ये लोग कब्रिस्तान बनाएंगे तो हम लोग बनाने नहीं देंगे किसी भी कीमत, मरने के बाद ही बनेगा, इसलिए कोई स्थिति न पैदा हो तो हम लोग आप लोगों के पास आए, क्योंकि हमारे लिए तो देखिए नेशन इज फर्स्ट है, संविधान सर्वोपरि है और वहाँ से हम उसका हल निकालने के लिए आए। देखो काम स्टॉप कर दिया पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया, हाँ हमारे इंजीनियर ने भी उनको लेकर दिया, खुद मैंने भी मेरे साइड से लेकर दिया जी। उसके बाद सरकारी लेवल पर भी थोड़ी सी बात में नहीं, उन्होंने हमसे अवॉर्ड मांगा है वो भी मैं आज उधर किया, लेकिन जो लोगों की जो भावना है उसका बेशक आदर किया है। तो सब लोगों का हम लोग इसीलिए आए हैं जैसे बीच बीच में ये काम चालू हो जाता है, वहाँ बिल्कुल वो भगवान शिव का परिसर रहेगा, वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं मंदिर के सामने जो है वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, हम लोग वहाँ बैठेंगे पूजा पाठ करेंगे, वहाँ कब्रिस्तान का निर्माण नहीं होगा किसी भी तरह से। नहीं एक्चुअली देखो कुछ दिनों पहले जब हमको हमारे पास एक निवेदन आया कुछ लोग आए थे वहाँ के स्थानीय तो हमने काम को स्टॉप कर दिया, फिर उससे पहले एक 5-6 दिन में कुछ काम हुआ था, थोड़ा सा दीवार का काम हुआ था तो ठेकेदार की तरफ से उस पर पानी मारा जाता है कि जो दीवार बनी है वो खराब ना हो, लेकिन फिर भी मैंने हमारे इंजीनियर को मैंने सूचना दिया है कि वहाँ पे काम नहीं होगा, जो निर्माण हुआ उसको हटा दिया, हाँ हमने उसको स्टॉप कर दिया पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया,
हम सरकार की तरफ भी उसका एक अहवाल आज या ज़्यादा से ज़्यादा संकट में देगा। बहुत धन्यवाद आपको, चरण सिंधे जी से मिले थे अभी, लेकिन अगर यहाँ से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। और अपन लोग तो देखिए शांति प्रिय हैं, हम लोग मानवतावादी हैं, हमारे मानवतावादी हैं, लेकिन जहाँ तकलीफ होते हैं वहाँ कब्रिस्तान बनाने के लिए मना भी है, ठीक है ना। ये संवैधानिक भी है कि जहाँ आबादी है वहाँ से दूर बनाया जाए। आइए जानते हैं दफन भूमि की जगह को लेकर हो रहे विरोध को लेकर उल्लासनगर मनपा आयुक्त अजीत शेख ने क्या कहा। उल्लासनगर सिटी में कब्रिस्तान न होने की वजह से कुछ सालों पहले कैलाश कॉलोनी इस एरिया में एक रिजर्वेशन डेवलपमेंट प्लान में रिजर्वेशन डाला गया था कब्रिस्तान के लिए। वो जगह शासन की तरफ से कॉरपोरेशन को प्राप्त हुई है। जगह प्राप्त होने के बाद और उसका पोजीशन मिलने के बाद महानगर पालिका ने वहाँ पे टेंडर प्रक्रिया करके एजेंसी अपॉइंटमेंट की है उस कब्रिस्तान का विकास करने के लिए, कंपाउंड वॉल वगैरह डालने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे निवेदन प्राप्त हुए हैं और काफ़ी लोगों ने उस पर इतराज़ भी जताया है। लोगों का कहना है कि बाजू में शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन शिव मंदिर है कुछ ही अंतर पर, और वहाँ पे शिव मंदिर रहने की वजह से इतना नज़दीक कब्रिस्तान न दिया जाए, ऐसी उनकी प्रमुख मांग है। और इसलिए आज एक मोर्चा भी आयोजित किया गया था जिसमें कुछ उल्लासनगर से और अंबरनाथ से भी जनता उसमें शामिल हुई थी। उनके शिष्टमंडल के साथ मैंने डिस्कशन किया है, चर्चा की है, और वहाँ का काम हमने बंद किया है। वैसे हमने लिखी पत्र भी ठेकेदार को दिया है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि ये विषय जो है एमिकेबली सेटल किया जाए, एमिकेबली हो, और इसके लिए वो काम पूरी तरीके से बंद भी किया गया है। और शासन की तरफ से हमें एक अहवाल मांगा गया है, इस जो कोई ठहराव इससे पहले हुए थे रिजर्वेशन के संबंध में, तो वो उसका अहवाल भी हम आज या कल तक शासन की तरफ भेज रहे हैं। अभी काम बंद है, काम हमने ठेकेदार को लेटर दिया है, हमारे सिटी इंजीनियर ने भी दिया है, मैंने भी दिया है, और फिलहाल काम पूरा बंद है वहाँ पे। हिंदू संगठनों की तरफ से आज के मोर्चे को लेकर और उनकी क्या मांगे हैं, उनको लेकर क्या बताया गया, आइए वह भी जानते हैं। आज का विषय है कि शिव मंदिर के समीप 300 मीटर भी ज़्यादा उससे मतलब कम जितना अंतर है वहाँ पर कब्रिस्तान की निर्माण मतलब वहाँ पे चालू था। तो वहाँ पर कब्रिस्तान का जो निर्माण जो चालू था, तो बहुत दिन से वो कब्रिस्तान का बांधकाम रोकने के लिए बहुत से प्रस्ताव यहाँ पर हम लोगों ने दिए थे, लेकिन कोई भी रिप्लाई उसका नहीं आ रहा था। तो इसलिए पूरे अंबरनाथ शहर के ओर से और अंबरनाथ जो ग्रामस्थ है, वहाँ के जो पुजारी है परंपरागत, वो ग्रामस्थ के वो सब लोगों की वजह ओर से ये मोर्चा निकाला गया है। क्या आश्वासन मिला है अभी यहाँ पर? आश्वासन मिला है कि अभी इस जो ठहराव जो लिया था तो उसको विखंडित करने का अभी आश्वासन हम लोग को ये आयुक्त ने दिया है। तो अभी ये इससे पहला अगर इस तरह का आश्वासन हम लोग को मिलता तो फिर ये मोर्चा निकालने की बारी नहीं आती। तो अभी यही बताऊंगा आप सबको कि यहाँ पर जो आज ये मोर्चा जो निकला है ये बहुत शांति से, दूसरी बात एक किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी संप्रदाय के विरोध में नहीं है, किसी पॉलिटिकल के विरोध में नहीं है, ये केवल मांग है। हमारा वहाँ का जो पवित्र है जो शिव मंदिर का, वो कायम वहाँ पर रहे, इसलिए हमेशा वहाँ पर टिका रहे, बना रहे, इसलिए ये हम लोग की मांग है।
तो अभी आयुक्त ने जो पत्र दिया उस पत्र में उन्होंने उन्होंने नोट किया है कि हम लोग सरकार को शासन को इस तरह का ये प्रस्ताव विखंडित ठहराव विखंडित करने का जल्दी से जल्दी आप लोग निर्णय ले ले ऐसा हम लोग को प्रस्ताव दिया गया है। आगे ये मोर्चे की अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा? तो अभी मैंने पहले भी बताया मराठी चैनल वालों को सबको, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये आज का जो यहाँ का आंदोलन था मोर्चा था बहुत शांति से था। आपने देखा कि जहाँ पर 400-500 लोग एक साथ जमते हैं लेकिन बहुत उग्र स्वरूप रहता है, लेकिन इतने हजारों लोग यहाँ पर है लेकिन कितना शांति से ये मोर्चा निकला है। अगर इतना शांति से निकाल के भी अगर हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, भगवान शिव जी को शिव मंदिर को न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर आगे का जो आंदोलन है वो बहुत तीव्र रहेगा। और ये भी बताऊँगा कि ये नगर पालिका पर नहीं ये मंत्रालय पर रहेगा, ये आप सबको बताऊँगा भाई। देखिए आज जो उल्लास नगर मनपा के ऊपर जो दफन भूमि के विरोध में मोर्चा निकाला था, तो हमने ये मुद्दा 2018 साल में जब भी महासभा थी तो महासभा में ही हमने इसका विरोध किया था। हम किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहते, मगर जो शिव मंदिर है और शिव मंदिर की पेरी फिर में 500 मीटर के में आने वाला जो परिसर है, यहाँ पर दफन भूमि में आए दिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने उस समय सोच कर ही उसको विरोध किया था। दफन भूमि के लिए मुल्लात नगर महानगर पालिका ने इससे पहले आइडिया कंपनी के पास एक भूखंड दिया हुआ है, मगर उस समय जब सरकार हमारी नहीं थी हम विरोधी पक्ष में थे और हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये मुद्दा उपस्थित हो सकता है, क्योंकि माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इन्होंने शिव मंदिर की जो प्रतिमा है और शिव मंदिर का जो महत्व है न केवल महाराष्ट्र में इस देश में इस राज्य में और जग भर में इसमें इसकी मान्यता लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और उसके लिए उन्होंने कई सारे वहाँ पे प्रोग्राम भी किए हैं। ऐसे में ये सब जो गांव वालों अंबरनाथ गांव के लोगों ने जो आज प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के ऊपर हमने हमारे जो अंबरनाथ क्षेत्र के आमदार है बालाजी की निकर उन्होंने खुद जाकर और हमने जाकर शिंदे साहब से एक गुहार लगाई थी कि ये जो विषय है इसको तातड़ी से रद्द किया जाए और उन्होंने तत्कालीन उसके ऊपर अपना पत्र देकर आज शासन को उन्हें निर्देश दिया है कि ये जो ठहराव है ये विखंडन के लिए शासन के पास भेजा जाए। तो हम और हमारी सरकार और शिंदे साहब हिंदुत्व के मुद्दे में कायम थे, कायम रहेंगे, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करेंगे, मगर ये जो मुद्दा है इसके विखंडन के लिए हम लोग जल्द से जल्द प्रयास करके उल्लास नगर महानगर पालिका से ये विखंडन का ठहराव शासन के पास भेजेंगे। मैं विजय पाटिल और आशान साहब ये दोनों ने विरोध किया था, ये इसका कॉफी है, ये मिनट्स में है, इसका भी जरा फोटो आप जरा निकालिए और दिखाइए कि 4 साल पहले इसमें हमने क्या कहा था। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।